नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, आप सबका स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना किया हो, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द लेसन द नेकलेस। इसके राइटर हैं गाई डी माउपासेंट, क्लास 10th की ये कहानी बड़ी ही रोचक है। सो कहानी है मैजिंदा लॉजिल और उसके हस्बैंड एम लॉजिल की। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सिंपल सी नौकरी करता है हस्बैंड और दोनों ठीक से रह रहे हैं, ना बहुत पैसे वाले हैं ना बहुत ही गरीब। लेकिन कहीं ना कहीं जो वाइफ है मिसेस लॉजिल बहुत ही एम्बिशियस है, वो उस साधारण जिंदगी में खुश नहीं है, उसके ड्रीम्स बड़े हैं और बड़ी बड़ी बातें वो सोचा करती है। इवन अपनी एक सहेली है जिसका नाम है जीन फ्रॉस्टियर, वो उससे अच्छे घर में है, पैसे वाले घर में है, वो उसके यहाँ भी मिलने नहीं जाती सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अगर वो वहाँ जाएगी तो उसके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि उसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं और ना इतने अच्छे गहने हैं। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक इन्विटेशन आता है एक पार्टी का उन दोनों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, किसके यहाँ से, द हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही ऑनर की बात थी क्योंकि इस पार्टी में बहुत ही कम गिने चुने लोगों को बुलाया गया था। लेकिन मिसेज लॉसिल इस बात से बड़ी परेशान है, वो शी वांटेड अ न्यू ड्रेस एंड गॉट अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम जीन फ्रॉस्टियर। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, पार्टी में जाने के लिए इसके पास कोई नया ड्रेस नहीं है, अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर कुछ पैसा लेती है, एक नया ड्रेस बनवाती है। वो अपनी फ्रेंड जीन फ्रॉस्टियर के पास जाकर सबसे कीमती और महंगा एक डायमंड नेकलेस लेती है और पार्टी में पहन के जाती है। वहाँ सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो शानदार डांस करती है और अपने आप को बहुत ही बड़ा शो करती है और इतराती है अपनी खूबसूरती पर और अपने कपड़ों और डायमंड सेट पर। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो घर पहुँचते हैं थके हारे बुरी हालत में। घर आकर जब वो आईने के सामने एक बार फिर खुद को देखती है तो पाती है कि उसका नेकलेस कहीं खो गया है। दोनों फिर पैदल जाते हैं और सुबह तक ढूंढते रहते हैं लेकिन वो नेकलेस नहीं मिलता। अब इतना महंगा नेकलेस वो कैसे रिटर्न करें, वो अपना सब कुछ बेचकर अपने फादर से पैसे लेकर तरह तरह से कर्जे लेकर वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को वापस करती है। इट टुक 10 years फॉर देम टू रिपे दैट लोन टू रिटर्न द नेकलेस, और उन्हें 10 साल लग जाते हैं इस कर्जे को चुकाने में। इस 10 साल में उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो बहुत बूढ़ी दिखने लगती है और एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला दिखाई देती है। 10 साल बाद जब वो अपनी फ्रेंड को देखती है कहीं मार्केट में, उससे बात करना चाहती है तो उसे पहचान नहीं पाती, वो अभी बहुत यंग दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है। तब वो बताती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारा नेकलेस वापस करने की वजह से मैं 10 साल लग गए उसका पैसा चुकाने में। तब वो उसे गले से लगा कर कहती है, फ्रेंड वो नेकलेस तो नकली था, बहुत ही सस्ता था बाजार से खरीदा। इस तरह इस कहानी का एंड बड़ा ही रोचक अंदाज में होता है और इस लेसन से भी हमें एक सेंट्रल थॉट मिलता है कि हमें कभी भी अपनी हैसियत से ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए और सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं उस सच्चाई को मानने में और दूसरे को बताने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स आपको ये कहानी कैसी लगी और कैसा लगा इस कहानी कहने का अंदाज, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी।